यूपी के कानपुर में समाजवादी युवा सिख मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक किसानों पर हुए अत्याचार के विरोध में सरकार के खिलाफ विरोध जताया। तो वहीं कवलजीत सिंह मानू ने कहा कि देश का संविधान दिवस के दिन संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। अन्नदाता अगर अपनी मांग पूरी कराने के लिए दिल्ली कूच करता है तो रास्ते में उसको पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं उस पर, और देश का किसान बेहाल है। उन्हें अपनी फसल की पूरी कीमत नहीं मिल रही है। सैकड़ों की संख्या में किसान आत्महत्या करने पर आमदा है। साथ ही पूंजीवादियों को बढ़ावा देने वाला कानून के विरोध में पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ आतंकियों जैसा वर्ताव किया जा रहा है जो बेहद शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी हमेशा ही गरीबों पर लोगों की बात करी है, और जो आज भाजपा सरकार ने किसानों को अपनी व्यवहार करी है, उसका उसका विरोध कर रही है। अगर हरियाणा में जल्दी अगर वो किसान अगर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो रस्ते में सड़क खोद दी गई है ताकि उसमें गिर जाए, पानी की बौछारें कर रही है, उसके ऊपर आंसू गैस की गोली छोड़े जा रहे हैं, जैसे कोई आतंकवादी आ रहा हो। अगर इसके बाद अभी भी सरकार नहीं मानती तब आपकी पार्टी आप क्या करेंगे? हमारी पार्टी धरना प्रदर्शन शुरुआत आज कर दी, आज दिल्ली में उनका प्रदर्शन अगर उसकी इजाज़त नहीं मिलती तो हम लोग कानपुर से यहाँ से चल के दिल्ली तक जाएंगे और मांग कर रहे हैं कि किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया और जिस तरह से रोका गया उनकी मांगें पूरी की जाए। जिस तरह से मोदी सरकार ने बड़े उद्योगपतियों को राशन का बाकी सब चीज़ों बेचने का वो दे दिया है लाइसेंस और अप्रूव कर दिया है, आज किसान दरी हालत में है। और अगर किसान ही मर जाएगा तो कौन उपजाई करेगा, कौन हम तक राशन पहुंचाएगा? और किसान गरीब तबका होता है, एक गरीब तबका जो मजदूरी करके अपनी ज़मीन पर हम सब तक खाना पहुंचाता है, और उसके लिए इस तरह का व्यवहार के आंसू गैस गोले पानी ये सब करा गया है तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है, और इसका हम सब मिल के विरोध करते हैं। और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो जगह जगह इसके प्रदर्शन करेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।